अपनी प्रतिभा को अपनी प्रतिभा के बल पर ये लोग ये ऐतिहासिक पुरुष इतना निखार लेते कि फिर खुदा पीछे पीछे घूमता कि और क्या करना और कितना करना। तो कबीर कहते क्या बात करते महाराज, प्रभु जी अभी तो 1000 दोए कहे, 20,000 और कहना है, पीछे पीछे घूमते प्रभु। एडिसन से पूछते महाराज कितने प्रयोग करना, अरे बोले अभी तो 400 आविष्कार किए, 600 और करना, करो कौन रोकता है। तो अपनी प्रतिभा को जो इतनी दृढ़ता से पकड़ ले वो धार्मिक, और फिर उसके अलावा जीवन में कुछ बचता ही नहीं है। जरूरत क्या है जीवन में और किसी चीज की। लेकिन ये एक और रहस्य समझ लेना कि जो भी ऐसे एक इंद्रिय पुरुष हैं वे भी 24 घंटे एक का एक काम नहीं करते हैं। एडिसन कोई 24 घंटे प्रयोग नहीं करता है। जैक्सन 24 घंटे नहीं नाचता है। बिल गेट्स 24 घंटे अपने ऑफिस में नहीं बैठे रहते। लेकिन ध्यान एक इंद्रिय होता तो जब भी थकते, जब भी रेस्ट की जरूरत पड़ती, तब वे भी स्विट्जरलैंड घूमने जाते, वे भी आराम करते, वे भी शौक और मौज पालते। लेकिन क्यों? ध्यान एक इंद्रिय कि वापस शक्ति कलेक्ट करूं और नए प्रयोग में डूबूं। आप दो चीज का फर्क समझ लेना कि एक इंद्रिय पुरुष अपने टारगेट पे लगा रहता और जब टारगेट की एनर्जी नहीं बचती, आराम का समय आता, शांति का समय आता, तब अपना संसार फैलाता और बनाता, और वो भी उतने समय के लिए जब तक वापस रीऑर्गेनाइज होके प्रयोग में डूबने का वक्त नहीं आ जाता, ताकत नहीं आ जाती। ये संसार बनाने का सही तरीका है संसार में, लेकिन सब जने उल्टा संसार बनाते। टारगेट तो मालूम नहीं, जने कहां युद्ध लड़ रहे हैं, और संसार बनाते चले जाते, बनाते चले जाते, बनाते चले जाते। ये संसार बनाने का तरीका नहीं है। संसार प्रमुख नहीं है, प्रमुख आपकी प्रतिभा है। जिसके लिए आपका आगमन हुआ है वो प्रमुख है। उसके आसपास सब कुछ विस्तार होना चाहिए, उसी के लिए विस्तार होना चाहिए। अगर कृष्ण 56 भोग भी खा रहे हैं तो सर्व के लिए, नृत्य भी कर रहे हैं तो सर्व के लिए, बुद्ध आराम भी कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि नई ऊर्जा से भर जाऊं और बोल सकूं। शौक मौज जितने चाहे उतने करिए, लेकिन कब? प्रतिभा से थक के, प्रतिभा में लग के, जब ऐसा लगे कि अब नहीं होता, बस फिर एक दुनिया बना ली और जैसे प्रतिभा ने पुकारा फिर अपनी दुनिया में चले आए। ये तरीका है एक इंद्रिय जीने का। और जो ऐसा एक इंद्रिय है, आप कल्पना करते कि उसके जीवन में कभी असफलता आ सकती, दुख आ सकते, प्रश्न ही नहीं है। एडिसन अगर बल्ब खोजने गया तो 27 दिन तक लेबोरेटरी में पड़ा रहा, तो 27 दिन उसको बल्ब के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। अगर एडिसन सोचे कि 5 बार की नमाज तो पढ़नी ही पड़ेगी, पूरा दिन टाइम देखने में निकल जाए, कब प्रश्न ही नहीं उठता। वो बल्ब खोजना ही धर्म, बल्ब का फिलामेंट ईश्वर, वो कार्य ही पूजा, वही परिवार। ऐसा नहीं कि पूछे शाम को पत्नी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, अरे जैसे होंगे वैसे होने दो, एडिसन को चिंता नहीं है। ये नहीं कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, अपडेट तो रहना ही पड़ेगा है। आजकल के बच्चे तो बड़ा अपडेट रहते, शाहरुख खान ने क्या खाया है मालूम, पिताजी ने क्या खाया नहीं मालूम, कमाल है।
एक इंद्रिय, अलग से कोई चीज की उसको आवश्यकता ही नहीं है, पूरा का पूरा संसार अपने साथ लेके चल रहा है, जहां डूबा है, बाहर कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समय फ्लाई हो रहा है। और ऐसा एडिसन ये बल्ब बनाते वक्त का ही किस्सा है कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रयोग करते करते 4-5 बज गई, एडिसन खाना ही भूल गया, तो उनके सेक्रेटरी वगैरह ने सोचा कि इनको महाराज को खाना भिजवा दिया जाए, सामने रख दिया जाए पूरा थाल। तो जब वहां से ध्यान हटे तो मालूम पड़े कि पेट नाम की भी कोई चीज होती, खा लो, खाना देख के तो याद आएगा। इधर वो तो थाल रख के चला भी गया और थोड़ी देर बाद एक साथी वैज्ञानिक आया एडिसन का, तो उसने देखा कि एडिसन तो फिलामेंट को ऊपर नीचे कर रहा है, तल्लीनता में डूबा हुआ है और खाने की थाली भरी हुई सामने पड़ी है। उसको भी भूख लगी थी, भोजन भी अट्रैक्टिव था, वो खा गया। इधर आधे घंटे बाद एडिसन महाराज शांत हुए, शांत हुए तो देखा मित्र बैठा हुआ है, तो बोले कहो मित्र क्या हालचाल, और इतने में थाली देखी, ये देखा ये बल्ब नहीं बनने के टेंशन में दिन में 3-3 बार खा रहा हूं, बोले। तो उपवास भी घटते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, जो करते हैं वे तो महान है। सो ये जो एक इंद्रिय जीवन है वो आपका अंतिम मकसद है, और एक बार एक चीज में डूब गए तो वही आपका संसार, वही आपका जीवन है, फिर आप जो भी करते वो उसके लिए करते, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं सूझता। हां, अब मनुष्य है, शरीर है, क्रिएटिविटी है, कुदरत भेजेगी तब आएगी जितनी आएगी, तो आराम का समय आता तब पूरा आराम करते, लेकिन आराम के समय भी ध्यान एक ही जगह पर है कि जल्दी से अपने को रीऑर्गेनाइज करूं और फिर डूब जाऊं, जल्दी से रीऑर्गेनाइज करूं और फिर डूब जाऊं। कितने साल बुद्ध घूमे, कितने साल कृष्ण घूमे, कितनों को मारा, लेकिन थकान का प्रश्न नहीं, क्योंकि टारगेट एक, एक इंद्रिय ज्ञान, बाकी सब दिखता कृष्ण का संसार कुछ नहीं है। ध्यान एक ही जगह पर, ये सब टाइम पास, बाकी फंस जाए तो कृष्ण को दोष नहीं दे सकते कि ब्रज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, कृष्ण की कोई गलती नहीं, कृष्ण अपने टारगेट पे लगते। ये पूरा जीवन का खेल समझ लेना, फिर बुद्ध की पत्नी नहीं कह सकती कि महाराज छोड़ के चले गए। जीवन में प्रतिभा जब दस्तक देती और प्रतिभा के पीछे भक्ता मनुष्य, तो उसका जीवन एकिंद्री हो जाता, वो मनुष्य ऐतिहासिक हो जाता। मैं समय हूँ, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।